हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू क्लास 8 ज्योग्राफी एंड स्टूडेंट्स इट इज द चैप्टर 2nd एंड पार्ट 6 दैट मींस स्टूडेंट्स इट इज द 6th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर सो स्टूडेंट्स इन लास्ट वीडियो वी आर डिस्कसिंग मेनी थिंग लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस लाइक दैट एवरीथिंग मैक्सिमम थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो इसके पहले के कुछ वीडियो में बच्चों हम लोग बहुत सारी महत्वपूर्ण पॉइंट का पे डिस्कशन किए हैं और इस पर हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे बच्चों अभी लास्ट जस्ट वीडियो जो हम लोग ने डिस्कस किया 5th उसमें हम लोग ने क्या देखा था उसमें बच्चों हम लोग ने मुख्य रूप से देखा था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ के साथ साथ हम लोग ने देखा था इसमें इकोसिस्टम समझा था बायोस्फीयर देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ देखा था और वल्चर इसके वेंजर के बारे में समझा था तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन दैट इज नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी पार्ट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पार्ट उस पार्ट के महत्व क्या है इंपोर्टेंस क्या है कहां उसकी आवश्यकता है कहां किस प्लेस पे इस तरह के वेजिटेशन है एंड वाटर व्हाट आर दीज और है कौन फॉरेस्ट ग्रीनलैंड स्क्रैप्स टुंड्रा ये 4 मुख्य बेस में इसको डिवाइड किया है बच्चों नेचुरल वेजिटेशन और फिर हम लोग आज पढ़ेंगे फॉरेस्ट के 2 अलग सब डिवीजन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेस्टियस फॉरेस्ट सो स्टूडेंट्स वी ट्राई टू बिगिन अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन मतलब आप समझिए नेचुरल वेजिटेशन यू नो बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ ट्रीज प्लांट आपको बहुत सारे प्लेसों पर देखने को मिलता है फॉरेस्ट प्लेस पे साधारण प्लेस पे आपके अगल बगल एज अ एग्रीकल्चर दैट आर ऑल्सो एज अ प्लांट आप बहुत कुछ देखते हैं बट वाई वाट इज द फैक्टर ऑन विच ग्राउंड इट्स हैज बीन क्लासिफाइड वो कौन सा ग्राउंड है जिस कारण से इसको नेचुरल वेजिटेशन को क्लासिफाइड किया गया है डिवाइड किया गया है 4 बेस इसमें फॉरेस्ट ग्रीनलैंड स्क्रब एंड टुंड्रा अब आप देखिए फॉरेस्ट आई थिंक ऑलरेडी यू नो व्हाट इज द बेस ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट इज द प्लेस वेयर रेन पोजीशन इज द बेस्ट जहाँ पे रेनी सीजन रेन अच्छा होता है और आप देखिए फॉरेस्ट के बारे में क्या बताया गया है मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ल्ड आर जैसा हमने आपको बताया मुख्य रूप से वेजिटेशन क्या है मुख्य रूप का फॉरेस्ट ग्रासलैंड और स्क्रब्स और टुंड्रा तो विच एरिया हैवी रेनफॉल हैवी रेनफॉल बच्चों ह्यूज ट्री में लीव्स जहाँ हैवी रेनफॉल होगा बरसात अधिक होगी वहां पर क्या होगा बड़े ट्री वहां तैयार होंगे दैट प्लेस रिलेटेड टू द फॉरेस्ट फॉरेस्ट से कंसर्निंग प्लेसों पे ऐसा होता है फॉरेस्ट की ये सिग्निफिकेंस होती है अगला आप देखिए ग्रीन लैंड मतलब क्या होगा बच्चों आप समझदार रहा ग्रीन लैंड घास का मैदान नहीं बच्चों थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे जिस क्लासिफिकेशन की बात किया गया है उसमें उस घास के मैदान से उस ग्रीन लैंड से थोड़ा डिफरेंस है आप देखिए इन मॉइस्चर आर रेनफॉल रेनफॉल वहां पे होती है बरसात होती है बट लेस देन ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट से कंपेयर में कम होती है साइज एंड डेंसिटी ऑफ ट्री आल्सो डिक्रीज पेड़ पौधे ट्रीज की साइज और डेंसिटी भी क्या होती है फॉरेस्ट के मुकाबले कम रहती है कहाँ पे ग्रास लैंड यहाँ पे भी बड़े ट्री होते हैं बट द साइज एंड डेंसिटी टू बी लेस देन इन कंपैरिजन ऑफ द फॉरेस्ट एंड स्टूडेंट्स रेनफॉल व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रेनफॉल टू दिस प्लेस शॉर्ट स्प्लेंडेड ट्री आर ग्रासेस ऐसे प्लेसों पे छोटे पेड़ होते हैं और घासें भी बड़ी बड़ी घासें होती हैं बिकॉज रेनफॉल इज नॉट सो
यहाँ पे रेनफॉल बरसात बहुत तेज नहीं होती, कम होती है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में आपको अंडरस्टूड अबाउट स्क्रब्स। स्क्रब्स देखिए क्या है, ड्राई एरिया आप लो रेनफॉल थॉर्नी सन्स एंड स्क्रब्स ग्रो डीप रूट्स एंड मैक्सी लीव्स। आप देखिए बच्चों क्या सारे बच्चे वीडियो देखते समय यू शो ट्राई टू वॉच योर पीडीएफ एंड नोट्स आल्सो। आप पीडीएफ नोट्स बुक लेके बैठेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे, आपके समझ में अच्छा आएगा, कोर्स की तैयारी अच्छी होगी बच्चों। हाँ तो बच्चों ड्राई एरिया सूखा क्षेत्र डिजर्ट प्लेसेस, डिजर्ट प्लेसेस आपका राजस्थान हो गया, बहुत सारे डिजर्ट, सारा डिजर्ट की बात आप कर सकते हो। और इसके अलावा क्या होता है, लो रेनफॉल, रेनफॉल बिल्कुल कम होती है। वहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, थॉर्नी सब्स, थॉर्नी, थॉर्नी कैसे होते हैं बच्चों, थॉर्नी कटीले कांटेदार पेड़ पौधे वहाँ पे जो भी होते हैं वो कटीले होते हैं, कांटेदार, उसमें कांटे होते हैं जो हर प्लेस पे नहीं होते हैं। और थॉर्नी बुशेस की क्या फीचर्स है, इस प्लेसों पे जो सर स्क्रब्स प्लेस पे होता है, ग्रो डीप रूट, इनकी जड़ें गहरी होती हैं, कटीले होते हैं, एंड वैक्सी लीव्स, लीव्स इनकी मोटी वैक्सी होती, वैक्स से रिलेटेड। तो इस तरह की लीव्स होती है किसकी, स्क्रब्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं जहाँ पे रेनफॉल काफी कम होती है। लास्ट टुंड्रा में आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट मीन्स ऑफ टुंड्रा, फाउंड इन कोल्ड पोलर रीजन, यहाँ पे क्या क्या होता है, मॉसेस एंड लीचेस, मॉसेस एंड लीचेस होता है। प्लेस कौन सा है, पोलर रीजन, भाई पोलर रीजन क्या है, पोल, आप वर्ल्ड मैप देखे हैं, ग्लोब देखे हैं, ग्लोब का नॉर्थ पोल साउथ पोल, ग्लोब पे ऊपर वाला हिस्सा डाउन साइड वाला हिस्सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वही पोलर रीजन क्या होता है वहाँ की ये विशेषताएं है, क्या है, टुंड्रा, टुंड्रा क्षेत्र, वहाँ के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो बच्चों आप लोग क्या देखा, आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, दो सब डिविजन में आपके क्लास में आपके स्टैंडर्ड में बताया गया है, दैट इज एवरग्रीन एंड डेसिडियस। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसा नाम से ही कंफर्म है, एवरग्रीन ऑलवेज ग्रीन, हमेशा हरा भरा, ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे वन जो हमेशा हरे भरे हों, दैट इज कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आप देखिए क्या बताया गया है आपके यहाँ बच्चों, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट डोंट सेट दियर लीव सिमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, या ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो सीजन के किसी भी समय सारी पत्तियां अपनी नहीं गिराते हैं, सो दे ऑलवेज में बी एज अ ग्रीन, इसीलिए हमेशा हरे भरे होते हैं। एंड नेक्स्ट डेस्टियस, डेस्टियस फॉरेस्ट सेट दियर लीव इन द पार्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपेरेंसी। देखिए ये डेस्टियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर सीजन में क्या करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं, गिरा देते हैं किस सीजन में, समर सीजन में, कॉमन बात है। और इसलिए कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, मॉइस्चर जो लॉस हुआ रहता है उसको कंजर्व करते हैं, कैसे, यू नो आई थिंक यू हैव टू ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट फोटोसिंथेसिस, लीव्स फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है साइंस में, ड्यू टू दैट दिस एवरीथिंग। हाँ बच्चों आगे आप देखिए, हमने आपको बताया डेस्टियस फॉरेस्ट, अब डेस्टियस फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा और सब डिविजन बताया गया क्या है, दिस फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड, ए ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड में भी इसको डिवाइड किया गया, कैसे,
अब ट्रॉपिकल कौन है? आप ग्लोब देखे हैं, ग्लोब का बीच का हिस्सा इक्वेटर होता है, उसके किस साइड, दोनों साइड, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बहुत ही हीट जोन होता है, लगभग 10 लेटिट्यूड्स के आगे का हिस्सा 10 to 33, नॉर्थ एंड साउथ बोथ साइड क्या होता है यार, यह आपका होगा कैसा होगा, कौन सा जोन होगा बच्चों, यह होगा ट्रॉपिकल डेसिडियस जोन, नॉर्थ और साउथ साइड किसके, इक्वेटर के दोनों साइड में 10 to 33, इट इज एज अ ट्रॉपिकल डेसिडियस। और उसके बाद 10 to 23 दोनों साइड में, नॉर्थ और साउथ साइड में क्या होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का एरिया होता है। और उसके बाद 23 से 66 दोनों साइड में, नॉर्थ साइड और साउथ साइड में क्या होता है, वह टेम्परेट जोन होता है, दैट मीन्स वह प्लेस टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का क्षेत्र होता है। सो स्टूडेंट्स, इट इज द विच यू डिस्कसिंग नेचुरल वेजिटेशन, आपने किसी क्वेश्चन आपने जो वेजिटेशन देखा जिसमें फॉरेस्ट, ग्रीनलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा देखा, और फॉरेस्ट का सब डिवीजन एवरग्रीन और डेसिडियस देखा बच्चों। तो बच्चों इसके बाद आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और इस चैप्टर के हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, बाय एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।